तो आज हम बात करने वाले हैं, जो भी हम ये प्रोसेस करते हैं वो किसने प्रोसेस करना चाहिए और किन किन पेशेंट्स के लिए ये प्रोसेस बहुत ही यूज़फुल होता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोसेस किसने करना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो लोगों के अंदर विटिलिगो है और उनको वाइट स्पॉट्स है और वो वाइट स्पॉट उनके स्टेबल है और स्टेबल होके उनको कम से कम एक 5-6 मंथ्स हो गए हैं या 1 ईयर हो गए हैं, तो वही लोगों ने ये प्रोसेस करना चाहिए ताकि हमको रिज़ल्ट समझ में आए। अगर आपका विटिलिगो स्टेबल नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोसेस ना कराइए। और मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको और कुछ मैं आपको चीज़ें और कुछ बताऊँगा कि जिससे जो चीज़ आपने कराया है तो उसके बाद में आपने ये प्रोसेस नहीं करना है। तो पहला हो गया, आपने अगर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट या तो आपने स्किन ग्राफ्टिंग किया हो, वहाँ पे क्या होता है ना कि जो इनका जो सैचुरेशन है तो वो प्रॉपरली हो नहीं सकता है और आपके रिजल्ट में ये थोड़ा सा मतलब वेरी करेगा। अगर आपने प्रॉपरली अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला है मेलानोसाइट का या मतलब स्किन ग्राफ्टिंग का, तो हो सकता है इसमें भी आपको मतलब रिजल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। और दूसरे हो गए कि आपने मतलब कोई यूवी थेरेपी करा है, कोई लाइट थेरेपी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो थेरेपी के बाद में भी तुरंत आपने ये प्रोसेस नहीं करना है ताकि आप जब भी ये थेरेपीज करते हैं उसके बाद में आपका स्किन का जो पिगमेंटेशन होल्ड करने का जो मतलब एक सैचुरेशन होता है वो आपका स्किन होल्ड नहीं कर सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा अगर आपने लाइट थेरेपी, यूवी थेरेपी, कोई भी थेरेपीज कराई हो, तुरंत ही आप ये प्रोसेस ना करें। उसमें एक 5-6 मंथ्स 3 मंथ्स का एक बड़ा गैप होना चाहिए, उसके बाद में ही आप ये पिगमेंट लॉस प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरा और एक चीज़ है जो मतलब आप टॉपिकल क्रीम यूज़ करते हैं ताकि आपके जो भी मेलानोसाइट ग्लैंड है वो एक्टिव हो, तो वो टॉपिकल क्रीम भी आपको स्टॉप करना है कम से कम 1-2 महीने के लिए, उसके बाद में ही आप ये प्रोसेस कराएं। तो काफ़ी लोग ये करते हैं कि उन्होंने यूवी थेरेपी कराया होता है, उन्होंने मतलब वो क्रीमिंग स्टार्ट होता है उनका और उसके बाद में तुरंत ही वो ये प्रोसेस करने के लिए आते हैं, तो उसके बाद में स्किन में काफ़ी डिफरेंट वेरिएशन आते हैं और हमको जो रिज़ल्ट अचीव करना होता है वो अचीव रिज़ल्ट प्रॉपर कर नहीं सकता है। तो आप जब भी आप ये प्रोसेस करने के लिए आए हमारे पास, आप मेक श्योर आप पूरा डिटेल्स हमें दें, आपने कभी यूवी थेरेपी लिया है, आपने कौन सा क्रीमिंग यूज़ किया है, लास्ट टाइम क्रीम कब यूज़ किया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पूरे प्रोसेस में। अगर आपने प्रॉपर ये सब चीज़ें हमें बताई नहीं तो हो सकता है कोई आपका जो रिज़ल्ट है उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, उसमें मतलब आपको रिज़ल्ट जैसा मन चाह रिज़ल्ट है आपको अचीव नहीं होगा। तो बेस्ट वे आप जब भी ये प्रोसेस करने आए तो हमें पूरा क्लियरली आप सब बातें बताएं कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट किया है, कहाँ पे किया है, कैसा किया था, तो आपके रिज़ल्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ इसमें ऐसे है कि जब भी आप ये प्रोसेस करें तो आपको ये बहुत ही मतलब आपने देखना चाहिए आपके स्किन की और भी कि आपको कोई नए स्पॉट्स आए नहीं है, आपका कोई नया स्किन मतलब वाइट नहीं हुआ है, मतलब आपका विटिलिगो फिर से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब भी आप ये प्रोसेस कराएं तो आप श्योरली आप ये याद रखें कि आपका पूरा स्किन स्टेबल हो। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको पूरा हम इन्फॉर्मेशन दें।